सस्पेक्टेड गैस की वजह से बीएचयू के सर सुंदर लाल हॉस्पिटल में हुई मौतों को लेकर काशी में सर्वदलीय न्याय मार्च निकाला गया। ये मार्च पीएम मोदी के जनसंपर्क ऑफिस तक जाना था, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इसे रोक दिया। स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए मौके पर करीब 8 थानों की फोर्स लगाई गई। पूरा ये मामला संगठित भ्रष्टाचार का, गैस के नाम पे होल्डिंग की, ऑक्सीजन गैस के नाम पे होल्डिंग का गैस देकर लगभग 53 से 55 बच्चों की मौत हुई, जिसको कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन और ओपी उपाध्याय का तंत्र ने दबा दिया। चूंकि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला था, किरकिरी में हो इसके मामला दब गया। चूंकि लगातार कई जगहों के मामले प्रकाश में आए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उन पीड़ित परिवारों के साथ भी इंसाफ हो जाए, जो कि भले ही लेट इंसाफ हो, लेकिन इंसाफ हो जाए। जैसे कि गोरखपुर के मामले में इंसाफ हो रहा है, जैसे कि बदायूं के मामले में इंसाफ हो रहा है। हमारी मांगे सिर्फ ये है कि ओपी उपाध्याय को बर्खास्त करके और जो दोषी गैस सप्लायर ठेकेदार है उसके ऊपर 302 का मुकदमा पंजीकृत करके हम हालात के पीछे भेजा जाए। सबसे पहले तो हमारा यही मांग है और ओपी उपाध्याय को बर्खास्त करेंगे। उनको इसी का लाभ मिला और वो अपनी मनमानी करके चले गए। सबसे बड़ी मांग ये है कि जो यहाँ के उपाध्याय जी वाइस चांसलर है उनको हटाया जाए, और यहाँ जो यहाँ बीएचयू से लेकर के यहाँ तक का एक सिंबॉलिक मार्च था, हम विरोध जताना चाहते हैं, किसी को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन हमारा विरोध भी सरकार के सामने दर्ज हो, ताकि ये उन जो बच्चे मरे हैं कम से कम उनकी आत्माओं को, उनके माँ बाप को ये लगे कि उनके साथ कोई खड़ा है।